Hi viewers, welcome again to my channel जिंदगी जरा मुस्कुराना। मैंने अपने एक वीडियो में जो कि बस फ़िलहाल ही मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कैसे आप सीड से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सीडलिंग की थी चिली के बीजों का, मालाबार स्पेनिच का और इसके साथ ही मैंने कुछ और भी बीजों को ज़मीन में डाला था उनसे पौधे बनाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन्हीं चिली के बीजों को से निकले हुए पौधों को, जो ये देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट कर गए हैं। इनके छोटे छोटे पौधे काफ़ी संख्या में बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पौधे बीजों से थोड़े ही दिनों में बाहर आ जाते हैं और फिर ये पौधे तैयार होने शुरू हो जाते हैं। इन पौधों को मैं अभी कुछ दिनों के लिए इसी में छोड़ दूंगी ताकि वो थोड़े से और बड़े हो सके और फिर उनके बाद इसे मैं अलग अलग पॉट्स में, अलग अलग गमले में लगाऊंगी। इस तरह से मेरे चिली के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और वो धीरे धीरे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बड़े से गमले को यूज़ किया है जिसमें मैंने काफ़ी सारे बीजों को छींटा था और उसमें से मैंने जो वीडियो आपके साथ अपलोड किया था वो था ये चिली के बीजों का और इसके साथ ही मैंने चिली सीड्स के साथ ही लगाए थे, मालाबार स्पिनेच के भी कुछ बीज डाल दिए थे। तो ये देखिए वो भी छोटे छोटे प्लांट्स इसके निकल आए हैं। तो एक ही गमले में आप कई तरह के सीड्स को डालकर आप उसमें से वापस पौधे निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े पॉट का यूज़ करना पड़े और फिर उसमें आप सीडलिंग कर सके। मैंने अपने फ्लावर के गमले को ही चुना है और उसमें मैंने ये सीड्स डाल दिए थे और ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो घर के अंदर ही बहुत सारे आपके सामान हैं, आपके किचन में ही ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। मालाबार स्पिनच के बारे में मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी। ये तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे सीड से पौधे को बनाया है, इसकी सीडलिंग निकाली है। आप अगर चाहें तो आपके घर में जब मालाबार स्पिनच आए तो आप उसके मोटे वाले निचले हिस्से को, डंठल वाले हिस्से को, उसमें आप गौर करके देखेंगे कि उसके कटे हुए हिस्से में जो है वो छोटी छोटी जड़ जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो अगर आप ज़्यादा नहीं 4-5 इंच के टुकड़े काटकर ज़मीन में लगा दें, याद रखें जड़ के तरफ वाले हिस्से को, उसे आप लगा दें ज़मीन में, डाल दें और कम से कम 1 इंच बाहर रहने दें, 1 या 1.5 इंच बाहर रहने दें ज़मीन से बाहर, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है और उसमें जड़ें आने शुरू हो जाते हैं। तो मालाबार स्पिनच को आप इस तरह से भी उगा ले सकते हैं। यहाँ मैंने मालाबार स्पिनच को सीड से उगाया है ताकि मैं आपके साथ इसे शेयर कर सकूं और मेरे पास मालाबार स्पिनच का जो प्लांट था वो मैंने इसी तरह से ग्रो किया था और उससे गिरे हुए बीजों को मैंने रख दिया था चुनकर और इसी गमले में मैंने इसे डालकर रख दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से निकल आए हैं इनके छोटे छोटे सीडलिंग। इसके साथ ही मैंने डाल दिए थे कुछ साइप्रस वाइन के सीड्स भी। तो साइप्रस वाइन के सीड्स अभी पूरे तो नहीं निकल के आए हैं लेकिन एक पौधा मुझे दिख रहा है जो कि ये देखिए बाहर आ गया है। तो इस तरह से बाकी पौधे भी बहुत जल्द और आसानी से बाहर आ जाएंगे। सीडलिंग करते वक्त सिर्फ आपको ध्यान रखना है मिट्टी को थोड़ी हल्की गुराई कर लें और उसके बाद मिट्टी से ज़्यादा नहीं 1 या 1/2 इंच
के नीचे ही आप बीजों को डालकर उसके ऊपर से हल्के मिट्टी को छिड़क दें, उसे दबाए नहीं बस छिड़क दें, और उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव कर दें। फिर आप उसे रेगुलरली बस पानी का छिड़काव ही देते रहें और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये देखिए कैसे इसमें से पौधे बाहर आ गए हैं और इनकी सीडलिंग हो चुकी है। अब बारी है इन्हें अलग अलग गमलों में जगह देने की। तो मैं जो गमलों की तैयारी करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि आप इस तरह से सीडलिंग करने के बाद उसे गमले में किस तरह से वापस गमले में आप उसे सेपरेट करके लगाएं। तो गमले में इसे लगाने के लिए वो तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे करनी है, और ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। और आज यहीं तक, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने इस तरह से बीजों का चुनाव नहीं किया है और उसे अभी तक इस तरह से पौधे नहीं निकाले हैं, तो आप अपनी किचन में ही झांके, वहां आपको बहुत तरह के सीड्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपके रेगुलर किचन में के काम में आने वाले जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, चिलीज़ हैं, वो आपको इसमें उगाने के लिए एक मौका मिल सकता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अपने हाथों से उगाए गए चीज़ों की बात ही कुछ और होती है और उसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने ये चिली फ्लेक्स को, चिली के बीजों को, चिली सीड्स को मैंने जो छीटा है ज़मीन में, किस तरीके से और किस तरीके से मैंने इससे पौधे उगाए हैं, ये अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करें, वहाँ आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और आपके लिए आसान हो जाएगा इस तरह से पौधे को बनाना, सीडलिंग करना। तो फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।